मैं डॉक्टर सुशील जैन सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय सांबर लेक बीकॉम प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज जो व्याख्यान है वो सांख्यिकी जो परिचय चल रहा है अपना चैप्टर उसमें आज ये देखेंगे कि सांख्यिकी की जो परिभाषा हैरिस क्राइसिस ने दी है और उसके आधार पर सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं इनका अध्ययन आज करेंगे। तो जो हॉरेस सेक्राइसिस ने जो परिभाषा दी है समंकों से हमारा अभिप्राय तथ्यों के ऐसे समूहों से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं और जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी विवरण होता है उसको वर्णात्मक भी कह सकते हैं और संख्या में भी। तो जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं एक यथोचित शुद्धता के स्तरानुसार गिने अथवा अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किए जाते हैं और एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर इस परिभाषा को अपन मद्देनजर रखते हुए इसकी विशेषताएं पता करें तो हमें जो समंकों की विशेषताएं हैं, जो आंकड़े हैं जिनको अपन सांख्यिकी बोलते हैं, उनके बारे में अपने को पूरी विशेषताएं पता चलेगी और उसके आधार पर ही अपना जो आगे का अध्ययन है वो होगा। तो अगर अपन इस परिभाषा को देखें तो अपना निष्कर्ष निकलता है कि सभी सांख्यिकीय समंक तथ्य होते हैं लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। इस आधार पर अपन देखें तो इस परिभाषा में जो विशेषताएं प्रकट होती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, समंक तथ्यों के समूह होते हैं, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। समंक जो होते हैं वो तथ्यों के समूह होते हैं, किसी एक तथ्य को समंक नहीं कहा जा सकता। खाली किसी एक विद्यार्थी की लंबाई उससे अपन कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति के प्राप्तांक, ये समंक नहीं होते हैं। समंक संख्यात्मक तथ्यों के समूह होते हैं जहाँ अपन किसी चीज़ की तुलना कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, समंक संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। ये जो डेटा है वो संख्यात्मक रूप से अंकों में व्यक्त होते हैं, क्योंकि अपन किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं तो दो तरह से बात कर सकते हैं, वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव और नंबरिकल संख्यात्मक। तो यहाँ जो समंक है वो नंबरिकल होते हैं। इस आधार पर समंक की मुख्य विशेषता है कि वे संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात यदि कोई सूचना या तथ्य अंकों के रूप में व्यक्त किए जाएं तो वो समंक कहलाएंगे। गुणात्मक अभिव्यक्ति समंक नहीं है। अगर किसी के बारे में ये कहा जाए कि अमुक व्यक्ति युवा है, अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक व्यक्ति रोजगार पर लगा हुआ है, तो ये गुणात्मक है, संख्यात्मक नहीं है। लेकिन जो चीज़ संख्याओं में व्यक्त की जाती है वो समंक कहलाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट टू मल्टीसिटी ऑफ कॉजेज। किसी भी समस्या से संबंधित समंक जो होते हैं वह अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जैसे अगर किसी देश की जनसंख्या से संबंधित समंक है तो उस देश की जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, वहाँ की आर्थिक उन्नति है, जलवायु है, शिक्षा है, आदि बातों से प्रभावित होते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, समंक गणना या अनुमान द्वारा अनुसंग्रहित किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और एस्टिमेशन। समंक जो संग्रहित किए जाते हैं वो किसी गणना के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर या अनुमान के आधार पर किए जा सकते हैं। व्यवहार में दोनों ही विधियाँ स्वीकार्य है, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में अपने को पहले से
सूचनाएं उपलब्ध है तो आप उनको गणना के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो भविष्य से संबंधित हैं, उनका अपन अनुमान लगाकर विश्लेषण कर सकते हैं। तो जांच का जो क्षेत्र है, अनुसंधान का जो क्षेत्र है अपना, उस पर निर्भर करेगा कि अपना जो डेटा है वो गणना से संभव है या अनुमान या संभावित संग्रहण किया जाएगा। इसके आधार पर ही अपन आगे की कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर बाउले ने ठीक ही कहा है कि बड़े अंकों को इकाई तक ठीक नहीं गिना जाता, उनका अनुमान किया जाता है। पांचवा पॉइंट देखिए, समंकों के संग्रहण में यथोचित परिशुद्धता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। समस्याओं का अध्ययन गणना अनुमान के आधार पर किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में शत प्रतिशत शुद्धता न तो संभव है और न ही आवश्यक है, क्योंकि अपन सांख्यिकी में औसत समस्याओं का अध्ययन करते हैं, न कि व्यक्तिगत। यानी अपन आगे चल के देखेंगे कि जो सांख्यिकी माप हैं वो औसत पर आधारित है, और औसत पर जब आधारित होता है तो उसमें प्लस माइनस कुछ संभावनाएं रहती है। इसलिए प्रत्येक अध्ययन में शुद्धता का एक स्तर होता है, लेकिन वह स्तर शत प्रतिशत होना जरूरी नहीं है। यथोचित परिशुद्धता होनी चाहिए, यह आपको ध्यान में रखकर समंकों का संग्रहण किया जाएगा। छठा पॉइंट देखिए, समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु संग्रहित किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। किसी भी जांच का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके उद्देश्य निश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि अपना जो शोध है या अनुसंधान है वो किस पर आधारित है, किन उद्देश्यों को लेकर अपन ये विश्लेषण कर रहे हैं और यहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, समंकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो समंक ग्रहण से उद्देश्य पूर्व निश्चित होने चाहिए और जिसके आधार पर ही पूर्णता और शुद्धता निर्भर करती है। अगर निरर्थक अंकों का संग्रहण किया गया तो उससे विश्लेषण करना उचित नहीं होगा। तो पहले से ही संग्रहण से पूर्व समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही संग्रहित किए जाने चाहिए। समंकों का संग्रहण व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। यानी समंक जो एकत्रित किए जाएंगे वो एक अरेंजमेंट जो उनका उनका होगा, जो प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन जो होगा, वो एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर, जो कि अपन आगे चल के देखेंगे सांख्यिकी श्रेणियों के रूप में है। तो अपन जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उनको सांख्यिकी श्रेणियों में व्यक्त करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, ताकि उन पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आसानी से किया जा सके, सांख्यिकीय माप सही ढंग से कैलकुलेट किए जा सकें और उनके आधार पर सही निष्कर्ष लिखे जा सकते हैं। अगर कोई डेटा अपन बिखरे हुए व्यक्त करेंगे तो फिर उनसे अपन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्वान ने ठीक ही कहा है कि बिखरी तथा असंबंधित संख्यात्मक जानकारी, सुने गए तथा यहाँ वहाँ से मनमाने साधनों से संग्रहित, जिनका चयन किसी सामान्य आधार पर नहीं किया गया हो, संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहना इस शब्द का भ्रामक उपयोग होगा। तो इस स्टेटमेंट से अपन ये समझ सकते हैं, इस स्टेटमेंट से अपन समझ सकते हैं कि समंक जो है व्यवस्थित रूप से होने चाहिए। समंक परस्पर संबंधित होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर टू बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। समंकों में एक विशेषता यह भी होती है कि वे एक दूसरे से तुलनीय होते हैं। समंकों को तुलनात्मक बनाने के लिए उनको सजातीय और एक समान होना आवश्यक है, अन्यथा तुलना करना संभव नहीं है। यानी उनका जो लेवल है वो एक तथ्य का दूसरे पर प्रभाव होना चाहिए, एक अगर कारण है तो उसका दूसरा उस पर प्रभाव होना चाहिए, तो अपन जो है तुलना करना
संभव होगा और समंग परस्पर संबंधित होने पर ही उस पर अपन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पर अपन अब ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि सभी सांख्यिकीय समंग तथ्य होते हैं लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंग नहीं होते हैं, क्योंकि खाली संख्याएं समंग नहीं होगी जब तक उनमें समंग होने की विशेषताएं नहीं पाई जाएगी जो अपन ने ऊपर में देखी है। तो मात्र वे संख्यात्मक तथ्य ही समंग होते हैं जिनमें अपन ने अभी जो विशेषताएं देखी वो लक्षण विद्यमान हो। तो उपयुक्त विशेषताओं में से समंकों में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सजातीयता, तुलनीयता के गुण होने पर ही उन्हें समंक के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस आधार पर अपन आगे चलकर सांख्यिकी श्रेणियों का प्रयोग करेंगे और उस पर सांख्यिकी माप कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।